अडानी मोदी जी के है कौन, हम आपके है कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, जिससे एक बार फिर से मानस पटल पर अंकित हो जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अशोक जी, अगर आप मेरे लिए माइक थोड़ी देर पकड़ लेंगे तो। ये पहली तस्वीर है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी की है। इस तस्वीर में चित परिचित अंदाज में अपने प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाते हुए अडानी जी के हवाई जहाज में सवार हैं गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी जी, आपको इस तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में है, इस तस्वीर को हम लोगों ने कहीं से उठाया नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में तमामों जगहों पर लोगों ने देखी है, यूज करी है, वहीं से उठाई ये तस्वीर है। ये दूसरी एक और तस्वीर है मेरे हाथ में, ये तस्वीर श्री राहुल गांधी जी की है। लोकसभा में उन्होंने इस तस्वीर को दिखाया था। मैं आग्रह करूंगी पीछे के साथियों से प्लीज थोड़ी शांति रखें। लोकसभा में राहुल जी ने इस तस्वीर को दिखाया था और उस पर आपत्ति हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक तरीके से उपलब्ध तस्वीर है, आप में से कोई चाहिए गूगल कर लीजिएगा, ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। ये एक और तस्वीर है, मोदी जी प्रधानमंत्री अब बन चुके थे, पहले तो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे, अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अडानी जी के हवाई जहाज में हाथ हिलाते चिर परिचित अंदाज में मोदी जी। एक और तस्वीर है, मोदी जी निकले, प्रहलाद जोशी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, पीछे हवाई जहाज अडानी जी का। एक और तस्वीर है, और ये सब पब्लिकली उपलब्ध है, आप लोग में से जो देखना चाहिए ढूंढना चाहिए सब मिलेंगी। एक और तस्वीर है, मोदी जी अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती के साथ आगे बढ़ते हुए पिछले हौसला और हिम्मत बंधाते हुए अडानी जी का एयरक्राफ्ट। फिर अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, ये तस्वीर लोकसभा की है। राहुल गांधी जी बोल चुके थे 7 तारीख को, 8 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने वक्तव्य का, राष्ट्रपति के संबोधन का समापन किया अपना वक्तव्य देकर। ये तस्वीर उस दिन की है लोकसभा की। आपका नहीं पता लेकिन मुझे एक अत्यंत घबराए, एक अत्यंत बौखलाए, जिसका गला सूख रहा था और जो बार बार पानी पी रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जी नजर आए, क्योंकि डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है। सारा सदन अडानी पर बोलने की मांग कर रहा था प्रधानमंत्री से, लेकिन 1 घंटे 25 मिनट के भाषण अपने लोकसभा और 1 घंटे 13 मिनट अपने भाषण राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी का अ कहने की चूने भरी। एक और तस्वीर है, ये आपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखी होगी, मोदी जी और उनकी परछाई, और उनकी परछाई में अडानी जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही होता दिख रहा है। और तस्वीर दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि एक बिजनेसमैन, दावे के साथ ये कह सकती हूं, कोई और होता या कोई और सरकार होती तो ईडी, एसएफआईओ, एमसीए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर, ऐसी तमाम संस्थाएं अभी तक इसमें कूद पड़ी होती। लेकिन भाई सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का, कोई चू ही नहीं कर रहा है, कोई शब्द ही नहीं बोल रहा है। वित्त मंत्री ने जुलाई 2021 में कहा था सेबी कुछ तफ्तीश कर रही है अडानी समूह पर। 18 महीने हो गए वित्त मंत्री के मुंह से अडानी नहीं निकलता है, प्रधानमंत्री पानी पीने लगते हैं अडानी का नाम सुनकर, और सेबी क्या कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। और वो सेबी, वो मार्केट रेगुलेटर जहां पर अडानी जी के समधी मेंबर है सेबी बोर्ड के, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जिस सेबी को आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके बोर्ड पर आपके लड़के के ससुर आपके समधी मेंबर है सिरिल श्रॉफ जी, और सरकार चुप है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा आपका कितना एक्सपोजर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा चुप बैठा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी के खिलाफ, अगर चाहे तो बस उसी का दायरा बढ़ा दे, सारी तफ्तीश हो जाएगी, सुई पटक सन्नाटा। एसएफआईओ चुप, ईडी चुप, लेकिन अभी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा तो ईडी के साहब सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये असलियत है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है, हम तो चलिए मौन धर ले, आंखों पे पट्टी जैसे मोदी जी बांध लेते हैं, इस फोटो की तरह मौनी बाबा बन जाते हैं, हम तो चलिए फिर भी चुप रह जाएंगे। दुनिया क्या कह रही है,
दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स के जो इंडेक्स हैं डाउ जोन्स या S&P, वहां से अडानी समूह को बाहर कर दिया गया कि नहीं, इस ये स्टॉक यहां ट्रेड नहीं हो सकता है। दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन देते हैं कोलैटरल पर, चाहे वो क्रेडिट स्वीस हो, चाहे वो सिटी ग्रुप हो, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, उन्होंने कहा हम अडानी के बॉन्ड लेकर अब लोन नहीं दे सकते, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अडानी को डाउनग्रेड कर दिया है। बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स ने कहा है कि इनका रेवेन्यू बहुत खतरे में आ जाएगा, इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। अडानी को ज्यादा शेयर्स फिर से प्लेज करने पड़े सरकारी बैंकों के पास। और यही नहीं, जो पेंशन फंड, चाहे वो नॉर्वे का पेंशन फंड हो जिसने पैसा लगाया था अडानी में, उन सब ने अपनी अपनी स्टेक होल्डिंग बेच दी है, कुछ ने तो घाटे पर बेच दी है। दुनिया ये कह रही है अडानी के बारे में, और हम मुंह में दही जमाकर, जिस पर GST लगा हुआ है, आंख पे पट्टी बांध के चुप बैठेंगे। और क्यों सवाल उठ रहा है LIC और SBI पर? क्योंकि आप में से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड इंडिया के हैं, वो अडानी के किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। नो गुड म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन्वेस्ट इन दी अडानी स्टॉक्स, बट LIC इन्वेस्ट। और एक अब आपको मैं पते की बात बताती हूँ। आप में से जो युवा हैं या जिन्होंने, जिनके मित्र होंगे जो नौकरी सरकारी ढूंढना चाहते हैं, लोगों को लगता है NTPC में नौकरी लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में लग जाए, IGL में लग जाए, गेल में लग जाए, गुजरात गैस में लग जाए। आपको काला सच पता है अडानी और मोदी जी की मिली भगत का, मोडानी का काला सच ये है कि जब LIC को पैसे चाहिए थे अडानी स्टॉक में लगाने के लिए, उनका स्टॉक बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा था? जून 2021 से LIC ने लगातार अडानी के स्टॉक खरीदने शुरू करे। और आपको पता है क्या बेचकर वो पैसा आ रहा था? वो NTPC बेच रहे थे, वो पावर ग्रिड बेच रहे थे, वो IGL बेच रहे थे, वो गेल बेच रहे थे, वो गुजरात गैस बेच रहे थे, और अडानी के स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, जो कि हर पैरामीटर में इन कंपनीज के पीछे है। अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, रेशियो होता है, हर रेशियो में पीछे थे। और उसके बाद भी सरकार की महारत्ना नवरत्ना कंपनी के स्टॉक बेच बेच कर पैसा जोड़ा जा रहा था कि मित्रगण, मोदी जी के जो सबसे अभिन्न मित्र हैं, उनकी कंपनी में पैसा डाला जा सके। अब ये लोग कहेंगे कि हम क्या चाहते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया है उस पर जवाब देना चाहिए, और 2 मिनट उस पर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने सदन में, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया भाषण, शालीनता, गरिमा, तथ्यों के आधार पर, बिना उत्तेजित हुए, बिना तीखे सवाल किए, बहुत शालीनता से उन्होंने एक भाषण दिया। और उस भाषण में उन्होंने बोला कि हमारे सिर्फ 3 सवाल हैं आपके साथ। आपकी कौन कौन सी विदेश यात्रा पर आपके साथ अडानी जी गए? आपकी किस विदेश यात्रा पर वो आपके साथ नहीं गए लेकिन वहां पर आपसे मिलने आए? और आपकी कौन सी विदेश यात्रा ऐसी थी कि जब आप वहां से वापस आ गए तो अडानी जी को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? इस सवाल के बारे में क्या अनपार्लियामेंट्री है मैं नहीं जानती हूं। क्या इसमें कहीं भी हमने गरिमा का हनन किया है? क्या हमने इसमें कहीं भी कोई अनुचित सवाल पूछा है? क्या मोदी अडानी रिश्तों के बारे में बात करना असंसदीय है? राहुल गांधी जी की उस स्पीच के 18 अंश प्रतिबंधित कर दिए गए, और अगर आप उसको उठाकर देखिएगा तो वो प्रतिबंधित अंश वो है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ में आ रहा है। तो इसमें आप इतना डरते क्यों हैं? अगर नाम साथ में आ रहा है तो उसमें घबराने की क्या बात है? क्योंकि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। अगर डरते नहीं तो आप डंके की चोट पर अडानी पर जवाब देते और बताते कि कैसे अडानी जी का पैसा बढ़ा, आपकी क्या भूमिका रही। आप ऐसे डर गए कि आप बिल में घुस गए और आपने 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोला लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। तो राहुल गांधी जी ने आपसे ऐसा ही तो यही तो सवाल पूछा था। और ये सवाल क्यों पूछा था? बांग्लादेश में मोदी जी जाते हैं स्टेट विजिट पर, वापस आते हैं, अडानी जी को 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मोदी जी श्रीलंका गए, वहां का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, हम नहीं कह रहे हैं, वो वहां का ऑफिशियल कह रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देना। मोदी जी इसराइल गए, इसराइल से वापस आए, हमारी सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला लेकिन अडानी, जिसका डिफेंस में कोई रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं था, उनको स्मॉल आर्म्स लाइसेंस, MRO, हर चीज का, हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये पैटर्न है।
तो मोदी जी की डोमेस्टिक नीति भी और मोदी जी की विदेश नीति भी पूरी तरह से अपने मित्र के बचाव में, अपने मित्र को पनपने में और भगवान जाने पैसा किसके लिए बनाने में जुटे हुए हैं। मैं एक बात अंत में कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं, क्या हम एंटी बिजनेस है? कतई नहीं। मुझे लगता है कॉरपोरेट इंडिया का, इंडस्ट्रीज का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का उतना ही योगदान इस देश के बनाने में, इस देश के ग्रोथ में, इस देश की प्रॉस्पेरिटी में है जितना आम आदमी का। लेकिन जब रूल्स, जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जब हर तरह का भ्रष्टाचार किया जाएगा सिर्फ एक आदमी की वेल्थ बनाने में, तो सवाल जरूर उठेंगे और वही मोडानी में हुआ है। आपने रूल्स रातों रात बदले, आपने बाकी इंडस्ट्री को भी बाहर कर दिया, आपने लोगों को जबरन ईडी भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर, उनके केसेस एनसीएलटी और आईबीसी में लाकर कान पकड़ के एसेट्स अडानी जी को दिए। अब जीवी के बेचारों के पीछे आपने ईडी छोड़ा हुआ है तो वो मरता क्या ना करता, वो तो कहेंगे ही नहीं मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन आप पैटर्न देख लीजिए कैसे दबाव बना। अगस्त में उनके ऊपर रेड होती है, केस बन जाता है, जब एसेट वापस दे दिया जाता है अडानी जी को, केस खत्म। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि रेगुलेटर्स इस देश के क्या कर रहे हैं, मोदी जी कब तक चुप रहेंगे अडानी पर, और इस देश को आप वो काला सच अपनी मिलीभगत का कब बताइएगा कि कैसे कैसे आपने अडानी की मदद करी। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन जिस अडानी को 609 नंबर की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में से उठाकर मोदी जी ने शिखर पर बिठाया, नंबर दो पर ले आए, बात तो नंबर एक पर लाने की थी, बेचारे ला नहीं पाए, नंबर एक पर ले आए, उसके बारे में मुझे सिर्फ यह कहना है कि वो मात्र 23,000 लोगों को नौकरी देते हैं इस देश में। और इस देश में छोटे लघु मध्यम उद्योग ऐसे हैं जो भर भर के लोगों को नौकरी देते हैं, और वो 11,655 लघु मध्यम उद्योग पिछले एक साल में वो एमएसएमईज बंद हो गए। सरकार का मुंह में सिर्फ जबानी जमा खर्च और दही जमी हुई है। तो सवाल अपने आप में बहुतेरे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम आपके हैं कौन, तमाम ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक ही शेर से इसका अंत करूंगी और उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। क्या आपको लगा मैंने कुछ गलत कहा इसमें, मैंने कोई गरिमा भंग करी, कोई संसदीय मर्यादा तोड़ी? ये लाइनें, ये पंक्तियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने सदन में पढ़ी और ये भी एक्सपंज कर दी गई। तो सिर्फ मोदी अडानी साहब का नाम एक साथ नहीं, ये भी एक्सपंज हो जाएगा। लेकिन ये देश देख रहा था कि जब अडानी पर बोलना था तो मोदी जी जैसे 20-25 साल के लड़के नहीं सीना ठोक कर बोलते हैं मैं सब पे भारी हूं। आप हैं भारी, आप हैं पनौती, आप पनौती हैं, आप भारी हैं इस देश के भ्रष्टाचार पर, आप भारी हैं बेरोजगारी पर, आप भारी हैं महंगाई पर, आप भारी हैं गरीबी पर, आप भारी हैं आर्थिक असमानता पर, आप तो उस बुलडोजर से भी भारी हैं जो उत्तर प्रदेश में चलता है और रात दिन एक में जल के मां और बेटी की मृत्यु हो जाती है। आप भारी हैं, आपने सच कहा, आपने मर्यादा लांघी, आपने तो वो आक्षेप लगाने का काम किया जो आज तक किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आप छुई मुई हैं और हिंदुस्तान के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री को जो आजादी के लिए 10 साल जेल में रहे, आप पूछते हैं उनका नाम क्यों नहीं लगाते, आप हिंदुस्तान की परिपाटी नहीं जानते हैं? मैं आपसे पूछती हूं, आप नरेंद्र हीराबेन मोदी क्यों नहीं लिखते हैं, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों लिखते हैं? तो इस तरह की घटिया, इस तरह की स्तर गिराने का काम आप करते रहिए, ये देश देख रहा है और ये देश पूछ रहा है कि अडानी से आपके संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो आपके हैं कौन।